प्यारे बच्चों, मैं नील कुमार मस्ती भोपाल से कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। तो बच्चों, हम लोग ऑप्टिकल कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री में ऑप्टिकल आइसोमरिज्म ये चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के अंदर ऑप्टिकल आइसोमरिज्म कौन से कंपाउंड शो करते हैं और कौन से कंपाउंड शो नहीं करते, ये बहुत प्यारा सा लेक्चर है हमारा ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का। आपको इसके अंदर ये पता चल जाएगा कि जो क्वेश्चन जेई में जो क्वेश्चन आते हैं या ट्वेल्थ में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें या नीट में या एम्स में कि कौन से कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेंगे और कौन से नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अपन उन सब चीज़ों को हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। हम इस लेक्चर में ये भी पढ़ेंगे बच्चों कि हमारा यहाँ पर क्वेश्चंस के अंदर कि ऑप्टिकल के साथ में टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स कैसे हम लोग करते हैं वो भी हम इस लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। इस लेक्चर के अंदर हम लोग ऑप्टिकल आइसोमरिज्म को बेसिक से हम लेके चलेंगे, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स भी पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिकल के साथ उसका रिलेशन पढ़ेंगे। हम लोग ये अनुभव करेंगे कि यार ऑप्टिकल आइसोमरिज्म कौन से कंपाउंड शो कर पाएगा और कौन सा नहीं कर पाएगा, हम कंपाउंड को देख के ये पता लगा लेंगे। ठीक है, इस टाइप की सारी टेक्निक्स एंड ट्रिक्स आपको मिलने वाली हैं। चलिए तो अपन आज आगे बढ़ते हैं। विथ मैं बोर्ड पे आपको सारे बहुत सारे पॉइंट्स आपको देता जाऊंगा ताकि आप अपनी कॉपी में लिख पाएं। चलिए बच्चों, अपना आगे स्टार्ट करते हैं। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, हम ये जानते हैं बच्चों कि जो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म होती है वो क्या होती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने पढ़ी हुई है। सर हमने तो पढ़ी नहीं है, चलो कोई बात नहीं बेटा, यहाँ पढ़ लेते हैं अपन। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म क्या होती है? ऑप्टिकल आइसोमरिज्म वो होती है जब अपन मोनोक्रोमेटिक प्लेन पोलराइज लाइट को, मतलब कि आप ये देखते हैं बच्चों कि जो लाइट होती है वो दो डायरेक्शन में चलती है, ऐसे और ऐसे। तो बच्चों जब डायरेक्शन दो डायरेक्शन में लाइट चलेगी, ऐसा इधर और ऐसा, मतलब इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, जैसे स्क्रू को हम ऐसे घुमाते हैं, अब ऐसा करते हैं ना, स्क्रू को अपने ऐसा घुमाया, ऐसे ही जैसे स्क्रू चलता है ऐसे जब भी लाइट होगी उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बच्चों एंड देन मैग्नेटिक फील्ड होगी, दो फील्ड होंगी, ये आपको पता चल चुका है अभी तक। इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड होगी। यदि हम इस लाइट को हम स्पेक्ट्रोमीटर में देखते हैं तो लाइट हमें अलग अलग डायरेक्शन में हमें दिखाई देती है, ऐसे ऐसे और ऐसे। ये जो लाइट है हमें ऐसे डायरेक्शन, अलग अलग डायरेक्शन में दिखाई देती है यदि हम इस लाइट को स्पेक्ट्रोमीटर में देखते हैं। कहाँ पे देख रहे हैं हम लाइट को बच्चों? स्पेक्ट्रोमीटर में। ठीक है, अब हम इस लाइट को जो स्पेक्ट्रोमीटर में देख रहे हैं, अलग अलग डायरेक्शन में दिखाई दे रही है, क्लियर पॉइंट है। अब हम सबसे पहले इस लाइट को क्या करेंगे, प्रिज्म में से निकाल देंगे। इस प्रिज्म का नाम है निकोल प्रिज्म। ये निकोल प्रिज्म में से इस लाइट को हम यहाँ पर निकाल देते हैं, निकोल प्रिज्म। जैसे ही लाइट को निकोल प्रिज्म में से निकालते हैं बच्चों, तो एक सेवन कलर हमें अलग अलग मिल जाएगा। एक सिंगल कलर की लाइट को हम ले लेंगे और ये सिंगल कलर की जो लाइट है उसको हम बोलेंगे मोनोक्रोमेटिक लाइट। दिस अ सिंगल कलर, ये हमें सिंगल कलर की लाइट मिल गई। जब हमें ये सिंगल कलर की लाइट मिल गई तो उसको हमने बोला मोनोक्रोमेटिक। अब हम इसको पोलरीमीटर में से निकालेंगे। कहाँ से निकालेंगे? पोलरीमीटर, ये हमारे पास है, पोलरीमीटर है ये। जब हमने लाइट को पोलरीमीटर में से निकाला तो लाइट जो है एक डायरेक्शन में आपको लाइट मिलेगी, और ये जो आपको एक डायरेक्शन की में जब आपको लाइट मिलेगी तो आप इसको बोलेंगे पोलराइज लाइट। निकोल प्रिज्म में से जब हमने लाइट को निकाला तो सिंगल कलर मिला। जब लाइट सिंगल कलर की मिली बच्चों तो हमने इसको बोला मोनोक्रोमेटिक। क्या बोलेंगे हम उसको? मोनोक्रोमेटिक। हमने लाइट को बोला मोनोक्रोमेटिक। लाइट हमारे पास इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दो डायरेक्शन में मिलती है, स्पेक्ट्रोमीटर में लाइट ऐसे दिखाई देती है। निकोल प्रिज्म में से लाइट को लेके जाते हैं तो हमें सेवन कलर्स में अलग अलग लाइट मिलती है, तो हम सिंगल कलर की लाइट को हम निकाल लेते हैं। जब हम इसको पोलरीमीटर में से लाइट को गुजारते हैं तो लाइट हमें ऐसे एक सिंगल डायरेक्शन की हमें लाइट मिलती है। अब ये आपको लाइट सिंगल डायरेक्शन की आपको लाइट मिली, और इस लाइट को जब आप स्पेक्ट्रोमीटर में से देखते हैं तो लाइट आपको इस टाइप से एक डायरेक्शन में मिलती है। तो ये वाली जो लाइट होती है बच्चों, इसको अपन बोलते हैं सिंगल कलर की, इसलिए मोनोक्रोमेटिक। प्लेन, इस प्लेन के ऊपर ये लाइट है, ये जो प्लेन है इसके ऊपर एक लाइट है, और चूंकि इस प्लेन के ऊपर लाइट है इसलिए हमने बोला इसको प्लेन पोलराइज लाइट। पोलरीमीटर में से लाइट को गुजारा तो हमने इसको बोला प्लेन पोलराइज लाइट, या इसी को हम लोग पीपीएल बोलते हैं।
इसी लाइट को हम लोग पीपीएल बोलते हैं। पीपीएल का मतलब है सिंगल कलर की लाइट है, एक ही डायरेक्शन की लाइट होगी तो हम उसको पीपीएल बोलेंगे, प्लेन पोलराइज लाइट। पी मतलब प्लेन, पोलराइज लाइट हम इसको बोलेंगे। तो मैं समझता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई कि पीपीएल क्या चीज है। इस प्लेन पोलराइज लाइट को यदि बच्चों हम एक ऐसे कंपाउंड में से गुजारेंगे जिसके अंदर की अलग अलग ग्रुप जुड़े हुए हो, ए बी सी डी, मतलब जिसमें चिराल कार्बन एटम हो, के साथ में उसके अंदर कंडीशन है एक तो आपका चिराल कार्बन एटम हो, उसके साथ में सेकंड कंडीशन है कि यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं हो, तीसरी कंडीशन है कि इसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं हो, चौथी कंडीशन है, ये तीन कंडीशन है, एक कंडीशन जो है जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में नहीं होती जिसको हम देखते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी होती है लेकिन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज नॉट डिफाइंड बाय दिस एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री के हिसाब से हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं देखते। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये देखते हैं चिराल कार्बन एटम हो, प्लेन ऑफ सिमेट्री जिसमें नहीं हो, सेंटर ऑफ सिमेट्री जिसमें नहीं हो, मीन्स वो कंपाउंड क्या शो करेगा, दोज कंपाउंड्स आर शोज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। क्या होता है ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ये जो लाइट हमने जो पीपीएल बनाई थी इस लाइट को हम एक ऐसे कंपाउंड में से लेके जा रहे हैं जिसमें चिराल कार्बन एटम हो या प्लेन ऑफ सिमेट्री हो नहीं हो या सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं हो। जब हम इस लाइट को पीपीएल को लेके जाएंगे, ये पीपीएल वाली जो लाइट्स हैं, जो सिंगल डायरेक्शन की जो हमें लाइट्स मिल रही थी, इन ये लाइट्स यदि हमारी पीपीएल वाली जो लाइट्स हैं, ये लाइट्स यदि हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मतलब ऐसे घूम जाती हो, इसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ऐसे घड़ी की दिशा की ओर घूमती हो, तो हम कंपाउंड को बोलते हैं डेक्स्ट्रो। कंपाउंड को क्या बोलते हैं बच्चों, डेक्स्ट्रो या डी फॉर्म बोलते हैं। यदि ये लाइट को, ये जो कंपाउंड है, ये इस लाइट को यदि इस डायरेक्शन में घुमा देता हो बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड में, मीन्स एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन, घड़ी तो ऐसे घूमती है, तुम्हारी घड़ी है यहाँ पर, अब घड़ी तो ऐसे घूमेगी, याद आ रहा आपको, पता है अपने को घड़ी ऐसे घूमेगी, ठीक है, तो इसको बोलेंगे क्लॉक वाइज डायरेक्शन, क्लॉक। और यदि हमारे पास ऐसा है और घड़ी हमारी क्या कर रही है, ऐसे घूम रही हो उल्टा, तो हम क्या बोलेंगे इसको, इसको हम बोलने वाले हैं एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन, इसको हम क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉक। तो यदि क्लॉक वाइज डायरेक्शन है, मीन दिस वन, लाइट वो ऐसे घुमा रहा है, मतलब डेक्स्ट्रो हो गया बच्चों। यदि वो एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन है, मतलब दिस वन, यदि वो ऐसे लाइट को घुमा रहा है, मतलब वो लीवो हो जाएगा, दैट कंपाउंड इज फॉर्म, दैट कंपाउंड इज कॉल्ड लीवो रोटेटरी। इस कंपाउंड को अपन लीवो रोटेटरी बोलते हैं। डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड को तब बोला जाता है या डी फॉर्म तब बोला जाता है जब लाइट को राइट हैंड साइड में घड़ी की दिशा की ओर घुमा देता हो, ऐसा घुमाता हो, ठीक है ऐसा। और जब वो लाइट को पीपीएल को, प्लेन पोलराइज लाइट, ये मोनोक्रोमेटिक भी कहलाता है, इसको आप एम पी पी एल भी बोल सकते हैं, मोनोक्रोमेटिक प्लेन पोलराइज लाइट भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप मोनोक्रोमेटिक लेते हैं, सिंगल कलर की लाइट आप लेते हैं, आप तो एम पी पी एल भी बोल सकते हैं, मोनोक्रोमेटिक प्लेन पोलराइज लाइट। यदि ये आपके घड़ी की दिशा की ओर कंपाउंड घुमा रहा है, ऐसा कंपाउंड जिसमें चिराल कार्बन एटम हो, प्लेन ऑफ सिमेट्री ना हो या सेंटर ऑफ सिमेट्री ना हो, तो वो कंपाउंड क्या करेगा बच्चों, लाइट को राइट हैंड साइड में घुमाएगा, तो हम इसको बोलेंगे डेक्स्ट्रो फॉर्म, किसको, कंपाउंड को। यदि वो लाइट को लेफ्ट हैंड साइड पे घुमाएगा तो कंपाउंड को क्या बोलेंगे हम, लीवो फॉर्म बोलेंगे या लीवो रोटेटरी बोलेंगे। तो इसको हमने थ्योरी थोड़ी सी, मैंने यहाँ पर पहला यहाँ पर लिखा है कंपाउंड हूज हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ऐसे कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, सेम केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, बट डिफरेंट बिहेवियर टूवर्ड्स पीपीएल प्लेन पोलराइज लाइट या एम पी पी एल मोनोक्रोमेटिक प्लेन पोलराइज लाइट कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो इसके दो फॉर्म हो गए, एक डेक्स्ट्रो ये वाला और दूसरा लीवो, तो उनको दोनों को ऑप्टिकल आइसोमर्स बोलेंगे, एंड दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। चलिए उतारिए इसको अब अपन,
अब मैं आपको बच्चों क्या करने वाला हूँ, अब मैं यहाँ पर जो है वो पूरे पॉइंट्स आपको बोर्ड पे लाने वाला हूँ, उसके बाद अपन समझेंगे, बात को आगे बढ़ाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जा रहा है आपका, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है? बात समझ में आ गई होगी, रिवाइज कर करके सुन लीजिएगा मेरी बातों को। थैंक यू, ठीक है, उतारो। तो बच्चों अब मैं ये बोर्ड पे आपके लेके आया हूँ कुछ करेक्टरिस्टिक्स इसके, कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कौन कौन से कंपाउंड शो करेंगे। तो ये अपना कॉपी में अपन को उतार लेना है, उसको मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। ऑप्टिकली एक्टिव कॉम्प्लेक्सेस आर दोज विच आर नॉन सुपर इम्पॉसिबल ओवर द मिरर इमेज। मिरर इमेज के सुपर इम्पॉसिबल नहीं होते, मतलब अपन सपोज कीजिए मेरे पास एक हाथ ये है, इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी, ये बनेगी, ये अंगूठा, ये वाला अंगूठा हुआ, ये पांच उंगलियां, तो ये बोथ आर मिरर इमेजेस विद ईच अदर। ये दोनों आपस में क्या है बच्चों, मिरर इमेजेस हैं। अब क्या होता है, जब मैं इस मिरर इमेज को यदि मैं यहाँ पर निकालूंगा और निकाल के जब मैं इसको सुपर इम्पोज करना चाहूंगा तो ये एक ऐसा हो जाएगा, और इसकी जो मिरर इमेज जो बनी अंदर वो जब मैं इसको बाहर निकाल के रखूंगा तो वह ऐसा हो जाएगा, सुपर इम्पोज नहीं होंगे, मछली जैसा बन जाएगा ये, मतलब कि ये नॉन सुपर इम्पॉसिबल होना चाहिए। यदि वो नॉन सुपर इम्पॉसिबल हो रहे हैं ओवर द मिरर इमेजेस तो क्या हो जाएगा, वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। चलो बच्चों थर्ड वाला यदि अपन पॉइंट लेते हैं यहां पर, तो थर्ड पॉइंट है एन ऑप्टिकली एक्टिव कॉम्प्लेक्स इज वन विच इज एसिमेट्रिक इन नेचर। जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कॉम्प्लेक्स वो होता है जो क्या होता है बच्चों, एसिमेट्रिक इन नेचर होता है, नॉट डिविजिबल इंटू टू आइडेंटिकल हाफ, दो आइडेंटिकल हाफ में जिसको अपन तोड़ नहीं सकते। अब जैसे मैंने ये हाथ लिया, अब अपन सोचे यार इसको दो भागों में तोड़ दें तो क्या तुम तोड़ सकते हो क्या, यहाँ से तुम काटो तो ये दो, ये भाग अलग, ये भाग अलग हो जाएगा। चलो मैं यहाँ से काटता हूँ तब ये तीन उंगलियाँ, ये भाग अलग, ये भाग अलग, क्योंकि दिस हैंड इज एसिमेट्रिक इन नेचर। ये जो हैंड ही जो है अपने हाथ में क्या है बच्चों, एसिमेट्रिक इन नेचर है, ठीक है? आप इसको अलग अलग यहाँ पर आप इक्वल पार्ट में आप नहीं कर सकते, क्लियर पॉइंट है? जैसे फॉर एग्जाम्पल कई बार बात आती है कि जैसे हमने ए लिया तो ए को हम इक्वल पार्ट में कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, आप ऐसा तोड़ दो इसको। क्या बी को हम इक्वल पार्ट में कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, आप ऐसा तोड़ दो। क्या हम सी को इक्वल पार्ट में कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, ऐसा तोड़ दो। क्या डी को आप इक्वल पार्ट में कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, आप ऐसा तोड़ दो। क्या आप ई को इक्वल पार्ट में कर सकते हैं, तो आप ऐसा तोड़ दो, यस हो गया। क्या एफ को इक्वल पार्ट में कर सकते हैं, आप ऐसा तोड़ दो, ये नहीं कर सकते। तो जिसको बच्चों आप इक्वल पार्ट में आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं वो क्या हो जाएगा, वो एक करेक्टरिस्टिक है, वो ऑप्टिकल आइसोमर्स हमें मिलेगा कि ऑप्टिकल आइसोमर्स ऐसा होगा जो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होगा, ये उसका करेक्टरिस्टिक है। चलिए अगला पॉइंट बोल रहा है, फोर्थ वाला पॉइंट, कि द कॉम्प्लेक्स विच रोटेट्स, वो मैंने अभी बताया, प्लेन पोलराइज लाइट टू लेफ्ट हैंड साइड इज लिबो एंड अदर पॉइंट लेते हैं तो वो रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट टू राइट हैंड साइड देन इट इज डेक्स्ट्रो और डी फॉर्म। तो अभी मैंने आपको बताया एल फॉर्म और डी फॉर्म, हमारे लेफ्ट हैंड साइड पर है तो हमारा लिबो है, राइट हैंड साइड पर तो हमारा डेक्स्ट्रो है। फिफ्थ पॉइंट पे चलते हैं बच्चों, द डी एंड एल आइसोमर्स ऑफ कंपाउंड्स आर कॉल्ड इनिशियोमर्स। इनको अपन इनिशियोमर्स बोलते हैं और इनिशियोमॉर्फिज्म या फिर हम इनिशियोमॉर्फस बोलते हैं, ठीक है? सिक्स पॉइंट हमारे पास है, ऑप्टिकल आइसोमर्स आर गिवन दोज कंपाउंड्स इन विच प्लेन ऑफ सिमेट्री, POS, प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है, ऑप्टिकल आइसोमर्स आर गिवन दोज कंपाउंड्स इन विच प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री, COS, सेंटर ऑफ सिमेट्री इज अब्सेंट, जिसमें अब्सेंट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल यदि अब मैं कंपाउंड लूम है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, जब मैं इसको बांटूंगा, यदि हाफ में भाग में मैंने यहाँ बांटा तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, यहाँ पर मिल रही है आपको, टू इक्वल पार्ट में बढ़ रहा मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इक्वल हाफ पार्ट हो रहा है मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो इन सब में प्लेन ऑफ सिमेट्री इसलिए इक्वल पार्ट हो रहे हैं। जो इक्वल पार्ट में नहीं जा पा रहे हैं बच्चों उनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको नहीं मिलेगी, ये इक्वल पार्ट में नहीं जा पा रहे मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर नहीं मिलेगी। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री किससे मिलेगी, जो इक्वल पार्ट में हमारा डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है? तो मैं समझ रहा हूँ क्लियर हो गया आपका। सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब ये होता है बच्चों, हमने एक सेंटर लिया, सेंटर से एक डेफिनेट यहाँ पर ए है और यहाँ पर इसके दूसरी साइड में हम जाएंगे तो वहाँ पर आपको ए मिल जाए इक्वल डिस्टेंस में। यहाँ पे चले अपन, यहाँ पे चले, सेंटर से जो हमने इसको काटा तो हमने देखा यहाँ पर हमारे पास जो ग्रुप हैं वो सेम मिल रहे हैं, तो हम उसको सेंटर ऑफ सिमेट्री कहते हैं। ये सारी चीज़ों का अभी हम लोग
एग्जाम्पल में हम लोग पढ़ेंगे, इसको आप उतार लीजिए। नेक्स्ट में इसका कंपाउंड लेके आ रहा हूँ, कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स का। तो बच्चों चलो अब अपन शुरू करते हैं। क्या शुरू करते हैं बच्चों? अब अपन शुरू करते हैं ऑप्टिकल आइसोमरिज्म इन कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म इन कोऑर्डिनेट कंपाउंड। अब जब आप ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड में ऑप्टिकल आइसोमरिज्म लेते हैं तो कोऑर्डिनेट कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन नंबर पता है अपने को, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 मिलेगी। तो हम लेते हैं केस वन। अब हम जब केस वन लेते हैं बच्चों तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले कंपाउंड्स लेते हैं जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। अब जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो क्या हो जाएगा? उस समय यहाँ पर दो टाइप के कंपाउंड हमें बनेंगे। एक बनेगा हमें sp3 और दूसरा बनेगा हमारा dsp2। क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले जो कंपाउंड्स होते हैं या तो वह sp3 होंगे या dsp2 होंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के कंपाउंड यदि sp3 या dsp2 होंगे तो sp3 मीन्स टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा बच्चों, और dsp2 का मतलब होगा ये स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर होंगे, स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर होंगे। तो जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है sp3 वाला जो, तो इसका एक पॉइंट आप यहां पे लिख लेंगे कि ऑप्टिकल आइसोमरिज्म इज नॉट प्रेजेंट इन sp3 कंपाउंड्स और टेट्राहेड्रल कंपाउंड्स। ठीक है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड में कौन सा sp3 होंगे जिसमें स्ट्रॉन्ग लाइजेंड वाले होंगे? यदि स्ट्रॉन्ग लाइजेंड जुड़ा हुआ है तो मतलब sp3 है, sp3 स्ट्रॉन्ग लाइजेंड जुड़ा हुआ है तो नहीं, वीक लाइजेंड जुड़ा है तो sp3 है, स्ट्रॉन्ग लेजेंड जुड़ा हुआ है तो आपका क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग लेजेंड वाला dsp2। क्यों? क्योंकि बच्चों यहां पर यदि स्ट्रॉन्ग लेजेंड है तो अंदर का d ऑर्बिटल को खाली करेगा। हमारे पास d ऑर्बिटल पहले अंदर होते हैं, उसके बाद s होते हैं, उसके बाद p होते हैं, sp और d। अंदर के d ऑर्बिटल को जब खाली करेगा तभी जब स्ट्रॉन्ग लेजेंड हम लेके आएंगे तो पेयरिंग हो जाएगी, यहां पर खाली करेगा तो dsp2 तभी बनेगा जब यहां पर स्ट्रॉन्ग लेजेंड होगा, और वीक लेजेंड वाले होंगे तो sp3 बनेंगे इन जनरल, एक्सेप्शन को छोड़कर। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म इज नॉट प्रेजेंट इन sp3 कंपाउंड्स, जो टेट्राहेड्रल कंपाउंड्स होते हैं sp3 उनमें नहीं होगी, जिसमें कि बिकॉज प्लेन ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट, बिकॉज प्लेन ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट, चूंकि उनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगी। अब सपोज कीजिए बच्चों हमने मिथेन का कंपाउंड ले लिया, चलो HH ले लिया मिथेन, एक सिंपल कंपाउंड, कोऑर्डिनेट नहीं है, मैंने मिथेन ले लिया है, अभी कोऑर्डिनेट भी लेते हैं अपन अभी। तो यहां पे देखा आपने, यहां पर कोऑर्डिनेट कंपाउंड इसका मैं बना दूं, यहां पे देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल रही है, कहीं से भी आप इसको काटो, यहां से काट दिया आपने, ठीक है, आपने इसको यहां से काट दिया, यहाँ पे भी H और यहाँ पे भी H मिल रहा है, आप प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको यहाँ पे मिल रही है। यदि आप यहाँ पे काट देते हैं इसको, प्लेन बना देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एक प्लेन बनाया, तो जैसे ही प्लेन बनाया था H इधर मिला, दो हाफ में पार्ट में टूट गया ये, तो हमने कहा प्लेन ऑफ सिमेट्री मिली। हम इसको ऐसा भी समझते हैं कि जो हम इसकी मिरर इमेज देखेंगे तो मिरर इमेज उसकी एक जैसे आपको मिलेगी, इसको उठाकर आप इसको सुपर इम्पोज कर सकते हैं। जबकि मिरर इमेज यदि आप यहाँ पर, यदि मैं यहाँ पर ये इसके सामने में ये रख लूँ अपना हाथ लेफ्ट हैंड साइड, और ये राइट हैंड साइड इसका मिरर इमेज, लेकिन जब मैं इसको उठा के यहाँ पर रखूँगा तो आप क्या देखेंगे यहाँ पर? जैसे मैं इसको यहाँ पर रखूँगा तो ये यहाँ पर है, और मैंने इसको उठा के यहाँ पर रखा तो ये इसका मिरर इमेज हमें ऐसा मिलेगा, मिरर इमेज इसकी मिल नहीं पाती है, मतलब नॉन सुपर इम्पोज कर लाता है, ये सुपर इम्पोज है, ये अच्छा है अच्छा है, इसको उठाओ यहाँ पर रख दो तो ये उसके ऊपर रखा जाता है। तो ये सब करेक्टरिस्टिक्स हमें ऑप्टिकल आइसोमर्स में मिलते हैं। या तो दो हाफ सेल में बढ़ जाता है, देखो यहां से देखो दो हाफ सेल में बढ़ जाएगा, एच अलग और इधर एच अलग, ऐसा करा मैंने, एक एच अलग हो गया, एक एच दो हाफ सेल में इक्वल हाफ सेल मिल गया। तो जिनमें इक्वल हाफ बढ़ जाता हो कंपाउंड, वो क्या हो जाएगा? वो ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं होगा। प्लेन ऑफ सिमेट्री उसमें प्रेजेंट रहेगी,
इक्वल हाफ में बन गया, मैंने प्लेन ऑफ सिमेट्री परसेंट है। एन आई ले लिया मैंने बच्चों, यहाँ पर सी एल सी एल और सी एल ले लिया, एस पी थ्री हाइब्रिडाइजेशन इसका मिल गया मुझे। अब मैं यदि यहाँ पर देखता हूँ तो यहाँ पर एक सी एल इधर है, एक सी एल ये है, इसका मिरर इमेज बनाता हूँ तो मुझे मिरर इमेज नहीं मिलती। जो मिलेगी भी मिरर इमेज वो वैसी मिलेगी, नहीं मिलती मीन्स जो बनेगी इसकी मिरर इमेज तो बनेगी लेकिन इसे सुपर इम्पोज हो जाएगी। सी एल को उठाओ, सी एल सी एल यहाँ पर है, उसको उठा के आप इसके ऊपर रख दो, एक जैसा हो जाएगा, इक्वल हाफ सेल में चेंज हो जाएगा। यहीं पर आप इसमें प्लेन डाल देते हैं तो हम क्या बोलते हैं, इक्वल हाफ सेल में चेंज हो रहा है इसलिए प्लेन ऑफ सिमेट्री इसे मिल रही है, पी ओ एस इज परसेंट, इसलिए हम क्या बोलते हैं पी ओ एस इसमें मिल रहा है, प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल रही है इसको हमने ऐसा करा तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री हमें मिल रही है। तो ऐसे कंपाउंड बच्चों जो होते हैं वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएंगे। यहाँ पर अब ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा क्यों, एस पी थ्री हाइब्रिडाइजेशन है यहाँ पर। तो जो भी कंपाउंड एस पी थ्री कंपाउंड होंगे बच्चों वो क्या हो जाएंगे, ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री दिस आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये एग्जाम्पल हो गया इसमें, ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट बोल रहा है डीएसपी टू स्क्वायर प्लेनर वाले, लेकिन यहां पर एक बात हो रहा है बच्चों, ऑप्टिकली एक्टिव जो यहां पर कुछ कंपाउंड जो है इसमें ऑप्टिकल आइसोमिज्म शो करते हैं, एसपी थ्री हाइब्रिडाइजेशन वाले भी कंपाउंड शो करेंगे, और कौन से कंपाउंड ये शो करेंगे उसको अपन देखते हैं। इसमें कौन से कंपाउंड शो करेंगे, जो बाइडेंटेड लाइजेंड्स वाले जो होते हैं कंपाउंड, कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री में जो बाइडेंटेड लाइजेंड वाले कंपाउंड होते हैं बच्चों उसको अपन यहां पे लिखते हैं। इफ सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लाइजेंड्स, इफ सिमेट्रिकल बाइडेंटेड, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड का एग्जांपल लेते हैं अपन, ए बोलते हैं या ई एन बोलते हैं, इथाइलिन डायमीन ये बाइडेंटेड लाइजेंड है। इफ सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लाइजेंड्स, इफ सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लाइजेंड्स आर प्रेजेंट, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड डेंटेड बी आई डी ई एन टी ए टी, बाइडेंटेड लाइजेंड्स आर प्रेजेंट, कुछ लोग लिगेंड्स बोलते हैं, आपके हाथ में है क्या बोलना है, स्पेलिंग वही रहेगी। इफ सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड्स आर प्रेजेंट आर प्रेजेंट आर नॉट शोन ऑप्टिकल आइसोमिज्म, वो भी ऑप्टिकल आइसोमिज्म शो नहीं करते, आर नॉट शोन ऑप्टिकल आइसोमिज्म, फिर शो कौन से करेंगे जो सिमेट्रिकल नहीं होंगे, ये तो सिमेट्रिकल बोल दिया मैंने, और बाइडेंटेड होंगे। इफ सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड्स आर प्रेजेंट आर नॉट शोन ऑप्टिकल आइसोमिज्म, अब इसके एग्जाम्पल डाल दो आप कौन से है, जैसे बाइडेंटेड जिंक ले लिया अपन ने और सिमेट्रिकल अपन ने बोला ई एन होल ट्वाइस बोल दिया प्लस टू कर दिया, ठीक है। इस टाइप के जो कंपाउंड हो गए बच्चों, जैसे बेरिलियम ले लिया अपन ने बी ई और एसिटाइल एसिटोनेटो ए सी ए सी ले लिया होल ट्वाइस कर दिया और प्लस टू कर दिया या प्लस वन कर दिया, ए सी एस सी का कंपाउंड आपने पढ़ा हुआ है, मैं टाइप ऑफ लिगेंड से मैंने आपको सब समझा दिया है, जिन बच्चों ने वो सब नहीं पढ़ा हुआ वो पहले पढ़ ले, यहाँ पे तब समझ में आएगा वो कि ऐसी ऐसी एसिटाइल एसिटोनेटो कंपाउंड है, मतलब ये सिमेट्रिकल है, ए ए टाइप के हैं, ये भी ए ए टाइप के हैं और सिमेट्रिकल बाइडेंटेड हैं, तो सिमेट्रिकल बाइडेंटेड जो लाइजेंड्स होते हैं वो ए ए होते हैं, जैसे कि हमारा ई एन है, जैसे कि हमारा एसिटाइल एसिटोनेटो है ए सी ए सी, ये बाइडेंटेड कहलाते हैं, उनमें ये ऑप्टिकल आइसोमिज्म शो नहीं होगी, ठीक है। अब सपोज कीजिए आपने यहां पर एसिटाइल एसिटोनेटो यदि आपने बनाया, मैं बना के देखता हूं इसको, एसिटाइल एसिटोनेटो बनाया, पहले कैसे बनाएंगे अपन, उसका ही मैंने आपको बताया था, एसिटाइल ग्रुप ले लो आप, एसिटाइल ग्रुप कौन सा होता है, एसिटाइल ग्रुप मतलब सी एस थ्री सी ओ ग्रुप, एसिटाइल ग्रुप, एसिटोनेटो ग्रुप ले लो, एसिटोनेटो मतलब एसीटोन से बनेगा सी एस थ्री सी ओ सी एस थ्री, इन दोनों को अपन को जोड़ना है, बेरिलियम के साथ हमने जोड़ दिया, ये बेरिलियम ले लिया हमने, अब हमने यहाँ पर कोऑर्डिनेट ले लिया ओ सी सी एस थ्री कर दिया, इस सी को डबल बॉन्ड के साथ ये जो सी एच है वो ले लिया, ये वाला सी एच सी ओ ग्रुप को हमने इसको दे दिया, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा
और एक सीएससी हमने ऐसा ले लिया। कोऑर्डिनेशन नंबर चार चल रहा है बच्चों, तो डेफिनेटली चार बॉन्ड्स इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसका बनाएगा वो। इस साइड से भी हमने ओसी ले लिया, सीएससी कर दिया, डबल बॉन्ड सीएच, फिर हमने सी कर दिया डबल बॉन्ड ओ, उसने भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाकर सीएससी दे दिया। ये कंपाउंड का नाम जो हो गया बेरिलियम एसिटाइल एसिटोनेटो, बेरिलियम एसिटाइल एसिटोनेटो। ये जो कंपाउंड है बच्चों बेरिलियम एसिटाइल एसिटोनेटो 2 क्लोराइड, इसके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर 2 होता है और Cl होता है यहाँ पर Cl2, तो ये पूरा कंपाउंड ऐसा बनता है ये बेरिलियम एसिटाइल एसिटोनेटो, जिस कंपाउंड को वो आधा भी बता देते हैं कई किताब वाले, तो आप ऐसा आधा लिखते हैं और इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग BEACAC बोलने लग जाते हैं। ऐसा है ये काम +2, ठीक है। अब इस कंपाउंड की यदि तुम मिरर इमेज बनाओ बच्चों, यहाँ पर मैंने मिरर रख दूँ और इस कंपाउंड में मिरर इमेज बनाओगे तो दोनों तीनों बातें हुई। जैसे मैं मिरर इमेज बनाऊंगा तो उसकी मिरर इमेज को उठा के आप इसमें डाल दोगे, एक तो पूरा उसके ऊपर छप जाएगा तो सुपर इम्पोज हो जाएगी, जबकि वो नॉन सुपर इम्पोज होना चाहिए एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आप इसको आधे में तोड़ सकते हो, देखो आधे में सेम हाफ मिल जाएंगे, जब सेम हाफ मिल जाएंगे तो हम बोलेंगे POS प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे आपको मिल रही है, सीधे हाफ ऑफ हो गया तो मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको मिल रही है। तो जब प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको मिल रही है तो आप क्या बोलेंगे, इट इज नॉट ऑप्टिकल आइसोमर्स, तो सिमेट्रिकल बाय डिंटेड लेजेंड्स आर प्रेजेंट, तो ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा। लेकिन यहीं पर एक पॉइंट और मैं दे रहा हूं, यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का SP3 हाइब्रिडाइजेशन का ही पॉइंट है। इफ इसी में एसिमेट्रिकल बाय डिंटेड, अगला पॉइंट ए कर दूं, इसको आपने उतार लिया, इसको उतार लीजिए। अब मैं इसका अगला पॉइंट आपको दे रहा हूं, इफ एसिमेट्रिकली लिखा हुआ है, इसमें सिमेट्रिकल की जगह आप ए कर दीजिए, इफ एसिमेट्रिकल बाय डिंटेड लिगेंड्स आर प्रेजेंट आर शो, नॉट हटा दीजिए और लिख दिया आर शोन ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। अब इसके एग्जांपल यहां पे चेंज हो जाएंगे बच्चों। अब इसमें जो यदि एसिमेट्रिकल बोला है तो एसिमेट्रिकल का मतलब क्या हुआ, एसिमेट्रिकल का मतलब होता है ए बी हो गया, जैसे GLY होता है ग्लाइसिन, जिसको ग्लाइसियोनेटो बोलते हैं अपन, GLY को अपन ग्लाइसिन बोलते हैं, ग्लाइसोनेटो क्यों बोलते हैं अपन ग्लाइसोनेटो, क्योंकि यहाँ पर ग्लाइसिन का फॉर्मूला क्या हमारा NH2CH2CHH, इसका ये H प्लस साइन हटाया हमने, माइनस यहाँ पर है, लोन पे ऑफ इलेक्ट्रॉन से बाइडेंटेड लेजेंड बन जाएगा, ये मेटल से जाके जुड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो क्या बन गया यहाँ पर NH2 लोन पे ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ CH2 एंड COO-, ये AB टाइप का ग्रुप बना आपका और ये AB बाइडेंटेड हुआ और ये यदि जुड़ जाता है तो ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा, क्या करेगा वो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। यदि मैं यहां पर BE ले लूं बेरिलियम, ठीक है BE ले लूं बेरिलियम और या जिंक ले लूं ZnGly या बेरिलियम ले लूं, तो ये सब क्या करेंगे यहां पर शो करेंगे यहां पर, ठीक है। दो कंपाउंड है बेरिलियम BCAC होल्टवाइज, ये भी शो करेगा, और ग्लाइसोनेटोर में ले रहा हूं तो ZnGly ले लो होल्टवाइज +2, ये शो करेगा। अब ग्लाइसोनेटो ZN ले लिया अपन ने, यहां पे हमने वो ले लिया, इसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया, ठीक है। अब देखिए इसकी ऑप्टिकल आइसोमरिज्म अपन कैसे बनाएंगे, अपन ने क्या कि यहां पर जिंक ले लिया, ये वो है, इसको आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसने दे दिया इलेक्ट्रॉन, ये CO है यहां पर जुड़ा हुआ है, CO यहां पर CH2 से जुड़ा हुआ है, ठीक है, और यहां पर NH2 है, तो एक जगह जो है आपका यहां पर CO डबल बॉन्ड O और इधर कर दिया CH2 और इधर कर दिया NH2 और इसने हमने लोन पर लगना उसको दे दिया। देखिए दूसरी जगह देखते हैं अपन, ये O है तो मैंने यहां पर NH2 ले लिया, इसने हमने लोन पर लगना उसको दिए, ठीक है, इधर CH2 कर दिया, ठीक है, इधर O है O- उसने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दे दिए और O- किससे जुड़ा हुआ है CO के साथ। तो ये वाला जो कंपाउंड जो बनता है
CH2 के साथ हमने C डबल बॉन्ड O कर दिया और यहां पर इसको O कर दिया ऐसा, ठीक है। अब मैं यहां पर यदि लेता हूं तो यहां पर क्या होता है, ये दो हाफ पार्ट में चेंज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। कैसे? क्योंकि यहां पर O है तो यहां पर NH2 है, ठीक है। तो जब प्लेन ऑफ POSF, ये आपकी अब्सेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री इज अब्सेंट इन दिस कंपाउंड, यदि मैंने इसको पलटा दिया है तो ये अब्सेंट हो गया और प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिल रही है, और जब ये नहीं मिल रही है मीन्स ए बी टाइप का जो ग्रुप है वो क्या शो कर रहा है, हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। यदि मैं इसी का यहाँ पे बच्चों सेकंड वाला एग्जाम्पल में ले रहा हूँ, बेरिलियम वाला, जो मैंने ACAC एसिटाइल एसिटोनेटो की जगह BCAC कर दिया, ठीक है। बी मतलब होता है बेंजोइल, बेंजोइल में 10 CH5 CO ग्रुप ले लें अपन, तो वो शो करेगा। कैसे करेगा? बेरिलियम हमने यहाँ पे ले लिया और O हमने लिया, देखो एसिटाइल में 10 CH3 CO प्लस बेंजोइल मतलब CH5 CO, ठीक है। बेंजोइल ग्रुप हो गया, PHCO है तो बेंजोइल ले लो और एसिटाइल हटा दो, प्लस एसिटोन ले लो, CH3CO CH3। अब देखो यहां पर कैसे बना रहे हैं हम अपन, थोड़ा सा देखिएगा जरा ध्यान से, इन दोनों को मैं जोड़ रहा हूं, देखिए कैसे जोड़ूंगा। ये एसिटोन है हमारा, इसके दोनों में हाइड्रोजन हटाऊंगा और इसको मैं इस कार्बन एटम से जोड़ दूंगा डबल बॉन्ड के साथ, दो हाइड्रोजन हटा दिए डबल बॉन्ड से जोड़ दूंगा, कंपाउंड बनेगा। बेरिलियम है यहां पर, ऑक्सीजन है, इसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया, सी है, CH5 ले लिया अपन ने, डबल बॉन्ड हो गया, ये CH जोड़ दिया, ये यहाँ पर CH CH3 से यहाँ पर जुड़ा, ये यहाँ पर CO है, डबल बॉन्ड CO, और जैसे ही जो CO है वो क्या करेगा, ये CO यहाँ पर अपने जो है वो लोन पर इलेक्ट्रॉन बेरिलियम को दे देगा, ये कंपाउंड बन गया। दूसरी साइड मैंने क्या किया बच्चों, देखो ये यहां पर मैंने अपना पलटा दिया, यहां पर देखो O है, O, ठीक है, डबल बॉन्ड, ये वाला ग्रुप मैंने ऊपर लिख दिया C, उसको CH से जोड़ दिया, CH CH3 हो गया, ये डबल बॉन्ड है, C हो गया, O हो गया, और इसने अपना कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसको दे दिया। थोड़ा सा इसको अपन इस टाइप से भी बना सकते हैं, है ना, ऐसा अपन बना देते हैं CH CH CH3 डबल बॉन्ड सी ओ, ऐसा बना दो CH। क्या ये इक्वल में हुआ? नहीं हुआ इक्वल में। क्यों नहीं हुआ इक्वल में? क्योंकि यहां पर CH5 इधर है ऊपर, यहां पर CH3 ऊपर है, देखो। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको मिली? नहीं मिली, इक्वल पार्ट नहीं हुए, इसलिए आप क्या बोलेंगे कि ये यहां पर ऑप्टिकल एक्टिव होगा, ऑप्टिकल एक्टिव यहां पर होगा, ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। तो इस प्रकार से जो कोऑर्डिनेट में जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले जो कंपाउंड है जिसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है वो शो नहीं करते, कुछ एक्सेप्शन है, इन एक्सेप्शन को अलग से अपन को देखना है, एक कॉपी में अलग से हम एक्सेप्शन देख लेंगे कि कौन कौन से शो करेंगे, ठीक है बच्चों। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कौन कौन से शो कर रहे हैं, यहाँ पर उसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ। तो जो sp3 है, sp3 में कौन से शो कर रहे हैं, जो AB वाले होंगे वो शो करेंगे कौन से, जैसे अपन ने ZnGly ले लिया, होल ट्वाइस कर दिया, वो शो कर रहा है, ठीक है, +2 कर दिया, बेरिलियम ले लिया BC एंड AC कर दिया होल ट्वाइस, वो यहाँ पे शो कर रहा है। तो ये शो करने वाले कंपाउंड्स मैंने यहाँ पे अपन यहाँ पे डालते जाएंगे तो हमारे पास एक जो शो कर रहे हैं वो उसके दो आइसोमर्स मिलेंगे हमें, D एंड L, इस टाइप से हमें दो आइसोमर्स मिलेंगे, तो हमारे पास एक पूरा एक लिस्ट तैयार हो जाएगी हमारी। अब अपन आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसको उतार लीजिए। अब आगे अपन बढ़ते हैं, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के बाद स्क्वायर पिरामिडल लिखते हैं अपन, ठीक है। स्क्वायर पिरा DSP2 हाइब्रिडाइजेशन कुछ बोर्ड पे अपन देखते हैं, कुछ पॉइंट्स लेके आते हैं बोर्ड पर, ठीक है, DSP2 हाइब्रिडाइजेशन के, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 लेके आया है अपन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के लिए, टेट्राहेड्रल में पता है दो अपन को दे रहे हैं बाकी नहीं देंगे। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस ये सब यहाँ पर मोस्ट ऑफ द स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस डू नॉट शो DSP2 वाले
do not show optical isomerism due to plane of symmetry POS. यदि हमारा यहाँ पर plane of symmetry है, क्योंकि आप जानते हैं square planar complex इस टाइप से आपको मिलने वाले मेटल है, यहाँ पर ligands, यहाँ पर ligands, यहाँ पर ligands, यहाँ पर ligands. तो बोलते हैं ये plane of symmetry show नहीं करेगा, क्योंकि ये जो plane है इसी प्लेन के ऊपर ही जो है वो, यदि अलग अलग डिफरेंट लाइजेंट्स भी हम करेंगे तो उसी प्लेन को हम मानेंगे, और जब हम उसी प्लेन को मानेंगे तो वो प्लेन ऑफ सिमेट्री में ही रहेगा, और चूंकि उसकी प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको मिलेगी इक्वल पार्ट्स में बढ़ जाएगा वो, इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमिज्म शो नहीं करेगा. तो मोस्ट ऑफ द स्क्वायर प्लेन कॉम्प्लेक्स डू नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमिज्म ड्यू टू प्लेन ऑफ सिमेट्री. ठीक है बच्चों, DSP2 हाइब्रिडाइजेशन वाले कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है. तो ज्यादातर, मोस्ट का मतलब ज्यादातर नहीं करते, लेकिन एक्सेप्शन इज देयर, एक आध एक्सेप्शन हमें मिलने वाला है. यहां पर भी बच्चों एग्जांपल, यदि अपन ऐसा करें जो शो नहीं करते, MABCD भी करें, तो MABCD में हमारे दिमाग में आएगा यार ये डिफरेंट लेजेंड्स हैं तो ये तो शो करना चाहिए, लेकिन चूंकि डिफरेंट लेजेंड प्लेन पर है. हाँ, यदि टेट्राहेड्रल होते ही तो ये शो करता, ठीक है, यदि ये टेट्राहेड्रल होता SP3 होता शो करता, लेकिन ये टेट्राहेड्रल नहीं है, प्लेन पर है. तो प्लेन पर क्या होगा, ये ABCD ये डिफरेंट है और ये प्लेन पर है, तो प्लेन पर है इसलिए उस प्लेन पे जब हम काटेंगे तो ये साथ में निकल जाएगा. जैसे कि सपोज कीजिए, हमने यहाँ पर ऐसा हम बता दें कि यदि हमने यहाँ पर इस टाइप से कोई कंपाउंड है हमारा, और उस कंपाउंड में यहाँ पर बी है और यहाँ पर डी है, और यहाँ पर हमारे पास ए है और यहाँ पे भी हमारे पास ए है. आपको लगेगा यहाँ पर बी और डी यहाँ पर अलग अलग कंपाउंड्स है, तो प्लेन पे तो ये अलग अलग हो जाएगा, लेकिन यदि मैं इसको इस प्लेन पे काट दूँ, ऐसा लेके हमने ऐसा प्लेन पे हमने काटा, इस प्लेन के ऊपर बी और डी प्लेन पे ही आ रहे हैं हमारे, तो हमारे इक्वल पार्ट्स मिल जाएंगे हमें, ए और ए यहाँ पर इक्वल पार्ट्स मिल रहे हैं. बिल्कुल सिमिलर ऐसे ही होता है, ये चूंकि ABCD है यहाँ पर प्लेन पर है, जब हमने प्लेन से उसको निकाला तो BCD उस प्लेन पे आ रहे हैं, इसमें से ऊपर और नीचे यहाँ पर आपको इक्वल पार्ट्स मिलेंगे. तो जो भी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले सारे ऑप्टिकल इनएक्टिव होते हैं, क्योंकि उनमें ऑप्टिकल आइसोमेट्री शो नहीं होती ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री. लेकिन एक्सेप्शन इज दियर. अब एक्सेप्शन कौन सा होगा बच्चों, तो एक्सेप्शन जो है, जो कि DSP2 हाइब्रिडाइजेशन वाला होगा, DSP2 हाइब्रिडाइजेशन, और जो शो करेगा वो, उसका नाम आप लिखते हैं यहाँ पर, सबसे पहले बड़ा सा नाम है और नाम के अनुसार ही हम उसको कॉम्प्लेक्स को बनाएंगे. हम नाम लिखेंगे आइसोब्यूटाइल डाइअमीन स्टील बेनी डाइअमीन प्लेटिनम 2 आयाम, प्लेटिनम 2 आयाम. ये एक ऐसा कंपाउंड है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का, जो कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है. क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिल पाती, स्क्वायर प्लेनर में भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलती, ग्रुप अलग अलग रहते हैं, तो इसके स्ट्रक्चर से हमें ये पता चल पाता. अब हम इसका स्ट्रक्चर बनाना शुरू करते हैं. प्लेटिनम में PT लिया हमने, आइसोब्यूटाइल मतलब ब्यूटाइल मतलब 4 कार्बन आइटम, तो हम 4 कार्बन आइटम लेंगे यहाँ पर. कैसे बनाएंगे, डायमीन है 2 NH2 ग्रुप बना दो, और NH2 ग्रुप ही यहाँ पर क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे. 2 NH2 इधर हुए, देखो डायमीन इधर भी है, तो 2 NH2 हम यहाँ भी बनाएंगे, और 2 ही NH2 ग्रुप क्या करेंगे यहाँ पर, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से प्लेटिनम जुड़ेगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हमें मिल जाएगी. उसके आगे हम बात करते हैं आइसोब्यूटाइल की. तो जैसे हम इसमें आइसोब्यूटाइल की बात करते हैं, तो NH2 को हमने यहाँ पर इधर NH2 इधर C ले लिया, ये CH3 क्यों, 4 कार्बन आइटम चाहिए मुझे आइसोब्यूटाइल में, तो 1 2 3, और यहाँ पर NH2 कर दिया तो मैंने यहाँ पर CH2 कर दिया, तो 1 2 3 4 मुझे मिल गया. कार्बन की बैलेंसी देखिए 4 है, 1 2 3 4, तो दिस कंपाउंड इज कॉल्ड आइसोब्यूटाइल. तो ये कंपाउंड हमारा मिला है आइसोब्यूटाइल. अब यदि प्लेन पे भी होगा, लेकिन प्लेन पे भी जो ग्रुप अलग अलग हो जाएंगे, ऊपर नीचे ग्रुप आपको मिल रहे हैं,
तो यदि प्लेन के ऊपर नीचे यदि हमें ग्रुप मिलेंगे बच्चों, तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। इसको किसी भी प्लेन पे लेके जाएंगे आप, ये ग्रुप आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। ये आइसोब्यूटाइल हो गया, देखो 1, 2, 3, 4 कार्बन आइटम आइसोब्यूटाइल। आइसो क्यों हुआ? सेकेंडरी कार्बन आइटम है यहाँ पर, ये टर्शरी कार्बन आइटम है, लेकिन यहाँ पर 1, 2 सेकेंड कार्बन आइटम एक ब्रांच मिल रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड आइसो। डायमीन हो गया। उसके बाद हमने यहां पर आगे बढ़े, इस साइड हम लिखना शुरू कर रहे हैं स्टिल बेनी डायमीन। डायमीन तो मैंने लिख दिया है, अब स्टिल बेनी लिख दो। तो स्टिल बेनी का मतलब ये सी एच ग्रुप होता है बच्चों, और सी एच किसके साथ जुड़ा हुआ है? फिनाइल ग्रुप के साथ। ऐसे यहां पर एक सी एच होगा, और सी एच किससे जुड़ा हुआ है? फिनाइल ग्रुप के साथ, और ये एनएच टू से जुड़ा हुआ है। इस पूरे पार्ट का नाम है स्टिल बेनी। तो अब कहीं से भी तुम देखो, यहां पर सी एच फाइव ग्रुप है, यहां पर सी एच फाइव ग्रुप है, यहां पर सी एस सी सी एस सी ग्रुप है। यदि प्लेन पे आप लेके जाएंगे तो एक ग्रुप सी एस सी इधर है, सी एस सी ऊपर जाएगा, यहां पर सी एच फाइव आ जाएगा। तो ये जो पूरा जो मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल जो है एसिमेट्रिक हो जाएगा। प्लेन ऑफ सिमेट्री इज नॉट प्रेजेंट इन दिस मॉलिक्यूल। और जब इस मॉलिक्यूल के ऊपर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगी, तो हम इसको क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे कि ये ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा। तो DSP2 में एक ही कंपाउंड है जो ऑप्टिकल आइसोमर शो करता है, आइसोब्यूटाइल आइसोब्यूटाइल डाइअमीन स्टिल बेनी डाइअमीन प्लेटिनम टू आयन प्लस टू दे दिए चार्ज, और Cl2 भी आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में ये पार्ट वन लिया मैंने, और इस पार्ट वन में अपन ने क्या पढ़ा कि ऑप्टिकल आइसोमरिज्म होती क्या है, एक बार रिवाइज किया आपने, और उसके अंदर किस किस में शो करेगा, बाकी में बोलते हैं शो नहीं करेगा, पर किस किस में शो करेगा वो देखा। किस में शो नहीं करता है? जनरली यदि अपन देखते हैं तो Ma4 एन प्लस माइनस, Ma3b एन प्लस माइनस, Mab3 एन प्लस माइनस, इन सब में हम देखते हैं ये शो नहीं करता। दीज आर कॉल्ड मोनोरिंटेड लेजेंड्स बच्चों, ध्यान रखिएगा। तो एक ही जगह आप H डाल दो, मिथेन बन गया, एक ही जगह Cl डाल दो तो NiCl होल 4 बन गया, एक ही जगह आप NH3 डाल दो तो NiNH3 होल 4 बन गया, CuNH3 होल 4 बन गया। तो ऐसे कंपाउंड यहाँ पर इसके बनते चले जाते हैं, CuNH3 होल 4 बन गया ऐसा +2, तो ये भी शो नहीं करेगा। कंपाउंड वो ये देगा, इस कंपाउंड से हमेशा टाइप बना लेना है, यदि इस वाला टाइप है तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेंगे। तो दीज आर ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स। यदि मैंने यहाँ पर Cu ले लिया और NH3 होल थ्राइज और Cl ले लिया और बोला कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे, तो ऑप्टिकल आइसोमर्स इज जीरो ऑप्टिकल आइसोमर्स होगा, यहाँ कोई भी ऑप्टिकल आइसोमर्स आपको नहीं मिलेगा। ठीक है बच्चों, यदि मैंने यहाँ पर Ma3b ले लिया, ये Ma3b3 का टाइप हो गया। मैंने यहाँ पर यदि मैंने यहाँ पर प्लेटिनम ले लिया और NH3 है, और यहाँ पर Cl3 कर दिया +2 कर दिया, तो ये टाइप मुझे ये मिल बन जाएगा, M इज प्लेटिनम NH3 1, B3 है तो Cl3, तो यहाँ पे भी जीरो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो होगी। कोई भी ऑप्टिकल आइसोमरिज्म यहाँ पे शो नहीं करेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 क्यों? 3+1 4, 3+1 4, 4 4। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करते, चाहे DSP2 के हों चाहे SP3 के हों। लेकिन एक्सेप्शन इज दियर, तो एक्सेप्शन हमारे पास तीन मिल रहे हैं, 1, 2 एंड 3। तीन एक्सेप्शन है जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कंपाउंड शो करते हैं। तो दिस इज अ पार्ट 1 ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, पार्ट 2 में खत्म कर देंगे इसको अपन। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।